The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. कोरोना वायरस के संक्रमण से हर व्यक्ति भयभीत है और इससे चिकित्सक भी अछूते नहीं है, लेकिन कोरोना के अलावा भी लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज करने से डॉक्टर कतरा रहे हैं या बच रहे हैं। पीड़ित मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दिल से जुड़ी बीमारी है, उनका इलाज भी नहीं किया जा रहा और जनता का परेशानियों से पाला पड़ रहा है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए उज्जैन बड़नगर से महेश धोनगिरा की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है आज हमने, मुख्य रूप से ज्ञापन दिया है स्कूलों में जो निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो फीस वसूली जा रही है पालकों से, उसके संबंध में आज ब्लॉक कांग्रेस के तालिका के अध्यक्ष गोपाल जी और पार्षद दिनेश पटेल और राजू परमार जी के साथ जिन प्रतिनिधियों का ज्ञापन दिया है, उसमें हमारी ये मंशा है कि इसके अंदर जो फीस की जबरिया वसूली की जा रही है उस पर प्रशासन ध्यान देवे और इसको तुरंत ही इसके ऊपर कार्रवाई करे। दूसरी समस्या हमारे डॉक्टरों को लेकर थी, जो रात्रिकालीन डॉक्टर होते हैं उनको लेकर काफ़ी समस्या है जनता के साथ। तो मैं SDM साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि रोटेशनल पद्धति में रात्रिकालीन डॉक्टरों की नियुक्ति करें और उसके बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक स्तर पर पत्रकारों के माध्यम से और सार्वजनिक चौराहों पर उनका नाम और स्थान रखा जाए, ताकि जनता उसके लिए परेशान न हो और उनको परेशान नहीं होना पड़े। दिया गया बड़नगर की नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के की पहली किस्त डल चुकी है, दूसरी किस्त 15 महीने से नहीं डली है, इसे तत्काल डाली जाए। लगभग 200 से 250 लोग का परिवार इससे वंचित है और अति वर्षा होने से झुग्गी झोपड़ियों नाले व आर्थिक सहायता आर्थिक दिक्कत है, इसे जल्दी से जल्दी सहायता दी जाए। ये ज्ञापन किसके नाम और किसको दिया है? ये ज्ञापन मुख्यमंत्री और अनुविभाग अधिकारी के नाम दिया गया है।